हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 15 की। अब बिग बॉस 15 की बात हो रही है तो यहाँ पर लाजमी है कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की बात हो। जी हाँ, फिर से इनकी बात की जा रही है, फिर से ये लोग सुर्खियों में आ रहे हैं और सुर्खियां बटोरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे तो बिग बॉस का रियलिटी शो है ही इसलिए ताकि टीआरपी को बढ़ाया जा सके और उसके बाद शो को लंबा खींचा जा सके, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेकर्स ने काफी जुस्तजू भी की है टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी टीआरपी बिल्कुल बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है और ग्रैंड फिनाले 16 जनवरी को ही है। लेकिन अब एक बार फिर से सुर्खियों में क्यों आए हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश? तो बता दें आपको कि करण कुंद्रा रश्मि देसाई के साथ बैठ के कुछ बातचीत कर रहे थे और वे तेजस्वी प्रकाश को लगा कि मेरी चुगली की जा रही है और वो बीच में टपक गए, जिस चीज को देखकर करण कुंद्रा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तेजस्वी पर चिल्ला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ गेम डिस्कस कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ गेम डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि तुम बहुत नेगेटिव पर्सन हो। और इस चीज को देखते हुए जब ये बातें बढ़ी तो करण कुंद्रा ने भी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया और वही तेजस्वी प्रकाश ने भी ओवर रिएक्ट कर दिया। और इन सब चीजों को लेकर जो करण कुंद्रा की बहन है यानी कि मीनू कुंद्रा, उनका भी कमेंट्स आया। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मैं तेजस्वी प्रकाश से नफरत करती हूँ क्योंकि वो मेरे भाई के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है और ना ही उनकी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए मैं इनसे नफरत करती हूँ और ये क्या शो जीतेगी, शो तो मेरा भाई ही जीतेगा। इस तरह से उन्होंने ये चीज ट्वीट कर बोली है कि मुझे तेजस्वी प्रकाश से सख्त नफरत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन विनर बनेगा और आपको कैसी लगती है केमिस्ट्री करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।